एवरीवन, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे शानदार तरीके का प्रोजेक्ट जिसको आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर सब यूज होते हैं उसमें बना सकते हैं आप, और बीटेक में, एमटेक, यहां तक कि आप डिप्लोमा में भी इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने देखा होगा ये लाइटों में, दुनिया भर का शादी वादी जितनी भी होती है सब में इसको यूज किया जाता है। तो देखिएगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। चलिए फ्रेंड, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम आपको आज प्रोग्रामिंग सिखाएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, हम आपको पहले किसी चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, और ये हमारा इसमें मैटर मैंने सेव कर रखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी। तो दो फ्रेंड्स, तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो किसी चीज के बारे में उससे पहले हमें बहुत ही इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, क्या हाल है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एलईडी लाइट डिस्प्ले में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। हम अपने चारों तरफ डिस्प्ले लाइट देखते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि हमारा भी नाम आए, तो इसी को टॉपिक को लेते हुए मैंने भी सीखा है और आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हम अपने चैनल में, यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी में। तो मैंने पहले प्रोग्रामिंग करते समय पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम उसको स्ट्रक्चर पहले बताते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। चलिए तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा बोर्ड, हमारा एलईडी डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो हम आपको बताने वाले हैं। हमारा है हाउ टू प्रोग्रामिंग इन एलईडी डिस्प्ले। पहले स्ट्रक्चर के बारे में जाना विद मेन्यू सिस्टम। तो हमारा एक एलईडी डिस्प्ले होता है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। फिर ये हमारा एलईडी डिस्प्ले, ये हमारी छोटी छोटी एलईडी हैं, ये किसी भी कलर में हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके नीचे मैंने कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, ये कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, और इसकी प्रोग्रामिंग मैनुअल जो हमने कमांड लिख रखी है ये कमांडों पर चलता है। ठीक है, इसमें कमांडों में चलता है। तो पहला पेज इसमें कीबोर्ड में, इसमें पेज होते हैं 12 पेज, इसमें 12 कैपेसिटी होती है, इसमें आईसी लगी होती हैं, और ये एसी डीसी पर काम करता है। एलईडी बोर्ड इसकी डीसी पर काम करता है। इसका एडेप्टर होता है, 12 वोल्ट आउटपुट देता है, इनपुट 220 वोल्ट से 40 वोल्ट तक। तो ये 10 से 12 पेज होते हैं इसके अंदर, और एक पेज के अंदर हम 20 वर्ड या 25 वर्ड 20 से 25 वर्ड तक हम इसमें सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि इसकी कमांड कैसे लगाई जाती है। हमारा पहला पेज खोल रखा है मैंने यहाँ पर, और ये हमारा FF यानी फुल फॉन्ट, यानी ये इंग्लिश में, ये यहाँ पे मैंने कमांड लगा दी इंग्लिश के लिए, हमारी इंग्लिश वर्ड यहाँ पे आना यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी गैप दे रखा है, यहाँ पे हम अपना मैटर टाइप करेंगे, और ये FX सेमीकॉलन FX, तो ये हमारा फुल स्टॉप है। तो मैंने ये कमांड लगा रखी है, तो हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं तो कैसे किया जाता है। देखिए सर, हमने यहाँ पे नीचे कीबोर्ड, हमने यहाँ पे अपना बोर्ड चालू कर रखा है, ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हम आपको बताते हैं कि कीबोर्ड में इतना पोर्शन इसमें काम नहीं करता है, और ये इतने सारे पोर्शन भी काम नहीं करता है, बस ये बटन और ये बटन काम करता है। तो पहले प्रेस 9 F9 दबाएंगे हम, तो हमारा बट पर खुल के आ जाएगा, बट पर खुल के आ जाएगा। फिर हम दबाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट दबाने के बाद हमारा ये, मैंने आपको बता रखा है ये पहला पेज, ठीक उसी के लिए पहला पेज दे रखा है। तो फुल फॉन्ट S4 हमारी स्पीड दे रखी है, यहाँ पर हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर F लगा सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम की जाती है, तो ये हमारा ही कीबोर्ड है, हमारा इसमें इतना पोर्शन काम नहीं करता है, और इसमें ये वाले बटन भी काम नहीं करते हैं। हमारा 1 और 2 ये दो बटन, और ये लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना पोर्शन ही सारा काम करेगा, और नीचे की ये तीन बटन और ये तीन बटन काम नहीं करेंगे। तो पहले इससे हमने जैसा कि बता रखा है ये पहला पेज इस तरीके से खुल के आएगा, तो उसी तरीके से हम इसमें करेंगे प्रोग्राम फिर। तो प्रोग्राम कैसे करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम करेंगे प्रेस 9, ये हमारा बट बट खुल के आ गया, बट बट खुल के आ गया। फिर हम दबाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट पे प्रेस करेंगे तो हमारा ये कमांड खुल के आएगा, जैसे कि मैंने इसमें कमांड में दे रखा है, यहाँ पर वही कमांड इसमें खुल जाएगी। पेज नंबर 1 है, FF फुल फॉन्ट यानी इंग्लिश, ये स्पीड दे रखी है S4, यहाँ पर हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, ये S4 स्पीड दे रखी है। यहाँ पर अगर हम 5 लगाएं तो और तेजी चलने लगेगा, हम 3 करते तो और तेजी चलने लगेगा, उससे भी तेजी चलने लगेगा। 9 हमारी इसकी सबसे स्लो स्पीड होती है, 9 तक इसमें कैपेसिटी होती है। इसके आगे हम चलते हैं FX, ये फुल स्टॉप के लिए होता है। अगर हम इसमें FX नहीं लगाएंगे कमांड सेमीकॉलन FX, तो हमारा मैटर निकल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हमारा बाकी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम फर्स्ट में फुल स्टॉप लगाने के लिए FX लगाते हैं। ये पहले, जैसे कि मैंने बताया पहला पेज, ये पहला पेज है, देखिए इस तरह ये पहला पेज है, और यहाँ पे हम अपना मैटर स्टार्ट यहाँ से कराएंगे, यहाँ से इसके बीच से यहाँ से मैटर स्टार्ट कराएंगे, तो ये FX फुल स्टॉप हो गया, इसके पीछे से स्पीड हो गई। तो यहाँ अपना करेंगे हम स्टार्टिंग, तो इसमें हम डालेंगे मैटर, सेव करते हैं यूनिटी फॉर
हमारा डाल दिया यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी। योर वेलकम। तो हमने इतना मैटर सेव कर दिया, प्रेस एंटर कर देंगे, हमारा उस पेज में मैटर हमारा सेव हो गया है। फिर उसी के लिए हमारा सेकंड पेज खुल गया, फिर खुलेगा हमारा थर्ड पेज, फिर खुलेगा फोर्थ पेज, ऐसे 6-7, फिर खुलेगा 8-9-10, इस तरीके से हमारा 12 तक इसमें खुलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और प्रत्येक पेज में, एक एक पेज में 20 से लेके 25 वर्ड ही सेव होंगे। वर्ड की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसमें जैसी आईसी लगी हुई उसमें वैसा ही मैटर सेव होगा। तो सेकंड पेज पे चलते हैं। ये पहला पेज था, सेकंड पेज पे हमने लगा रखी FH कमांड सेमी कॉलम FX। तो यहाँ पे FH लगा रखी यानी फुल फॉन्ट हिंदी, तो फुल हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी में मैटर टाइप होगा, जैसे कि हमने कर रखा है आपको बताने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, हमने लिख रखा है। तो सर इसमें एंटर मार देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर जब हमारा ये पेज पूरा हो जाए, आप जहाँ तक पेज तक करना चाहते हैं वहाँ तक करें, फिर जब नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जब आपका मैटर खत्म हो जाए, तो तीसरे पेज पे आके या दूसरे जैसा भी नेक्स्ट पेज हो उस पर हम लगा देंगे फुल FZ, यानी ये कमांड होती है पेज को क्लोज करने के लिए। तो हमारा मैटर पेज 3 तक ही चलेगा, इसके आगे हम लगा सकते हैं आपकी उसके इच्छा है लगा सकते हैं जी। तो इसमें FZ लगा दी, हमने एंटर मार दिया, मैटर हमारा सेव हो गया। अब उसके बाद आ प्रेस F12, हमारा मैटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें हम चाहते हैं तो स्पीड भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे सेव किया हमने, इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे S9 S4 ये लिखा है S4, हमें यहाँ पे स्पीड बढ़ानी है तो हम लिख देंगे 2 हमारी स्पीड। अब ये कमांड ले लेगा एंटर मारने के बाद, बस फिर F12 प्रेस कर देंगे, हमारा मैटर जल्दी नहीं चलने स्टार्ट कर देगा। स्पीड बढ़ गई इसकी, हम चाहते हैं तो इसकी स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। F9 Insert यहाँ कर देंगे 9, हमारा मैटर स्लो रनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।